नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में देवर ने अपने भाभी और दो मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया है। महिला का शव घर से बरामद हुआ है, जबकि बच्चियों के शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जाता है कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गोमती चौराहा वार्ड नंबर 3 का रहने वाला आरोपी अपनी सगी भाभी और दो मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया है। विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला का शव घर से बरामद हो गया है, जबकि बच्चियों के शव की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि सहवाज खान उम्र 26 वर्ष, अपनी भाभी और 3.5 साल की भतीजी के साथ 1.5 साल की भतीजी को मौत के घाट उतारा है। परिवार के लोगों की माने तो मृतिका का पति विशाखापट्टनम में रहकर रोजी रोटी चला रहा था। घर में पत्नी और दो बच्चे रह रहे थे। घटना की जानकारी 7:30 बजे हुई, जब स्थानीय लोगों ने खून से सना चाकू लिए आरोपी को घूमते देखा। इसके बाद मृतिका के मामा को जानकारी दी तो उसने पूरी घटना पुलिस को बताई और मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दोनों के शव की तलाश की जा रही है। हत्या की वजह बताई जाती है कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि भाभी ने गाली गलौज की थी, जिसके चलते गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। महिला के गले, सीने और शरीर के अन्य अंगों में चोट के निशान मिले हैं। हाथ निकाल दीजिए ना। क्या वार्ड क्रमांक 3 में एक हसीना अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस घर में उसके जेठ जो उसके पति हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं और घर में उसके सास ससुर और एक देवर था जो अपनी माँ के साथ, मतलब सास के साथ में वो जबलपुर गया हुआ शादी में। और जो छोटा वाला भाई है उसका, जिसका सहवाज नाम है, वो घर पे अकेले था अपनी, और उसकी भाभी थी हसीना। इनका कुछ आपस में विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर भी उसने जो है स्टील की राड से उसके सर पे वार किया, जिससे वो गिर गई और चाकू से गर्दन को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी ख़त्म हो गई। और डर के मारे, क्योंकि वो बच्ची जो उनके दो बच्चे थे, तो बड़ी बच्ची रोने लगी तो उसको भी उसने मार दिया और एक छोटी और बच्ची थी उसे भी मार दिया। दोनों को मार करके और बोरे में रख करके उसने गोविंदगढ़ तालाब में उसको फेंक दिया है। आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उससे चल रही है। लाश घटना स्थल पर सभी एफएसएल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे। अभी जो लाश उसने फेंकी है गोविंदगढ़ में, उसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और अन्य जो है गोताखोर जो स्थानीय है उनको बुलाया गया है, और चूँकि जी उसमें पानी ज़्यादा है और चोई है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद का क्या कारण बताया है? अभी पूछताछ चल रही है और ये घटना भी करीब शाम को 7 बजे के आसपास की है, और जो अपग्रेड होगा आपको उसको हम आपको से शेयर करेंगे।